बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा ही बच्चों, ये अब आपका है MTH 100 भी है और MTH001 भी है, ये स्टैट्स ही है दोनों तरफ। टॉपिक नंबर 9 है, वो कहता है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है, छठा चैप्टर 10th का साइंस की बुक का, आर्ट्स में भी है ये मौजूद। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है जिसमें क्लासेज होती हैं और साथ एफ होता है। पहले ओरिजिनली तो ये आपको नंबर दिए होते हैं ना, जो लिखे 100 नंबर्स हैं लिखे होंगे, फिर आपने उनकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी होती है या आपने उसकी कुछ क्लासेस बनानी होती हैं, ठीक है। मतलब मिनिमम वैल्यू हो सकता है 4.5 हो उसके अंदर और मैक्सिमम क्या हो 6.5, तो फिर इनका जो है ना वो इंटरवल बनाना होता 0.5 के लिहाज, ठीक है। फिर हर क्लास के अंदर जितनी वैल्यूज़ लाई करती हैं उनको लिख लिया जाता है, तो इतने हिस्से को कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इससे आगे जो कुछ बनता है उसको कहते हैं, पहला एक चीज़ है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब ये पहली वैल्यू एज इट रख दी, इसको इसमें जमा किया तो 60 आ गया, इसको इसमें जमा किया 89 आ गया, इसको इसमें जमा किया तो 100 आ गया, ये लास्ट वैल्यू और ये सेम होती। फिर इसका बनाते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव का क्या मतलब है कि कोई भी फ्रीक्वेंसी उसको टोटल फ्रीक्वेंसी सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी पर डिवाइड कर दिया जाता है। 25 को 100 पर डिवाइड करो 0.25 आ जाएगा, 35 को इस पर करोगे 0.35, इसको करोगे 0.29, इसको करोगे 0.11, ठीक है। फिर आता है क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को क्यूमुलेट करें, इकट्ठा करें, इसको एज इट लिख दें, इसको इसमें ऐड करें या आ जाएगा, इसको इसमें ऐड करें या आ जाएगा, इसको इसमें ऐड करें या आ जाएगा, ठीक हो गया। तो यही उसने लिखा हुआ है यहाँ पर। फिर आता है आपके पास बार चार्ट। बार चार्ट क्या होता है कि आपके पास पीछे बताया था कि वेरिएबल होते हैं दो तरह के, ठीक है। वो बाकी अब आपको इधर से बता देता हूँ कि जो जिस तरह ये है, ये आप लोगों की बेहतरी के लिए दोनों बुक्स को मिक्स करके करवा रहा हूँ ताकि आपकी कोई कमी ना रह जाए। डाटा आपने पढ़ा था, डाटा वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। डाटा किसके ऊपर डिपेंड करता है? वेरिएबल पे। वेरिएबल आपको मैंने दो तरह के पढ़ाए थे, एक क्वालिटेटिव और एक क्वान्टिटेटिव। क्वालिटेटिव में मैंने जेंडर पढ़ाया था, जिस तरह मेल फीमेल था, ठीक है, या रिलीजन है मुस्लिम नॉन मुस्लिम, उन तमाम वेरिएबल्स को हम क्या कहते हैं? क्वालिटेटिव। ये होता है नॉन न्यूमेरिक, ठीक हो गया। अब क्वालिटेटिव वेरिएबल में अगर आप एक वेरिएबल लेंगे और उसका टेबल बना लेंगे तो उसे कहते हैं यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल है, ये याद रखिएगा। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस डाटा की बनती है, ठीक है, और ये जो क्वालिटेटिव डाटा होता है ना इसके टेबल बनते हैं, होती है उसमें भी कैटेगरी और आगे कैटेगरी की तादाद होती है। मसलन फ़र्ज़ करेंगे 100 बंदे हैं, ठीक है, उसमें कितने मेल हैं उनकी तादाद लिख दें, उसके आगे कितनी फीमेल हैं उसको लिख दें। बाई वेरिएट का क्या मतलब है कि दो वेरिएबल ले लें, ठीक है, जिस तरह ये जेंडर ले लें और रिलीजन ले लें। अब जो यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल उसके जो ग्राफ बनते हैं, ठीक है, आगे जो इससे चीज़ें एक्स्ट्रा एक परसेंटेजेस कर ली जाती है, पाई चार्ट है और सिंपल बार चार्ट है। और अगर आपने दो क्वालिटेटिव वेरिएबल लिए हुए हैं तो उससे आगे एक बनता है कॉम्पोनेंट बार चार्ट और एक को कहते हैं मल्टीपल बार चार्ट, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर यूनिवेरिएट भी है, उसको पहले देख लेते हैं। मसलन ये कि आपके पास 1200 स्टूडेंट हैं, उनमें से कितने उर्दू मीडियम पढ़ते हैं वो ये, कितने इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं वो ये। अब मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है उसको मैयर तो नहीं किया जा सकता ना, बंदे से पूछ ही सकते हो ना कि आपका मीडियम कौन सा है, कि थर्मामीटर उसके मुंह में डालोगे तो पता चलेगा अभी इंग्लिश मीडियम पढ़ता है या उर्दू, ऐसे तो नहीं करोगे ना। तो ये होता है, इसे कहते हैं, ये जो पहला नाम उसने दिया हुआ आप यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल, ये क्योंकि इसमें एक क्वालिटेटिव वेरिएबल है, ये फ़र्क जहन में रखना। नाम क्या है? फ्रीक्वेंसी टेबल, यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल। फिर जो आता है वो आती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वो क्वांटिटेटिव वेरिएबल के अंडर दो तरह से फाल करती है, वो भी बताऊंगा। अब आपने ये टेबल बना लिया, पहले अब इसकी परसेंटेज बनानी है, तो परसेंटेज बनाना बहुत आसान है। 719 है जिस तरह ये है, इसको इस पर डिवाइड करो टोटल पे और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आंसर आ जाएगा। फिर 481 को इस पर डिवाइड कर दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आंसर आ जाएगा, ये परसेंटेज बन गया। फिर वो कहता है पाई चार्ट बनाना है। पाई चार्ट बनाने के लिए क्या तरीका होता है? उसी टेबल को यूज़ करें, इसको टोटल पे डिवाइड करो आप, ठीक है, और पाई का ताल्लुक जो कि सर्कल के साथ होता है तो सर्कल के अंदर कितने एंगल होते हैं 360, उससे मल्टीप्लाई करना, ये आ जाएगा। फिर इसी तरह इसको इस पे डिवाइड करो और जितने सर्कल के अंदर एंगल हैं उसे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक हो गया। बाकी इन एंगल को भी ड्रा करना है इनको, तो वो आपको पता ही है प्रोटेक्टर के जरिए, आप 8, 9, 10 में पढ़ते हैं। ये 0 degree तो कितने एंगल लेना है? 215, यही बना ना एंगल, तो वो आप यहाँ पर मेजर कर लो, ये 215 यहाँ पर आ जाएगा एंगल, ठीक है, 0.7 degrees। तो बाकी जो रह जाएगा वो खुद ही क्या होगा 144, 30 degree। अब ये दो आपने इसके क्या बना दिए हैं? सेक्टर, एक सेक्टर को डार्क कर दिया
जिससे मुराद क्या है उर्दू मीडियम, और एक को वाइड रहने दिया उससे मुराद कौन सा एरिया, इंग्लिश मीडियम। ठीक हो गया जी, तो ये आपके पास इससे रिलेटेड बन गया सारा। अब अगर आपको वो दो वेरिएबल दे देता, ये तो अभी एक है ना, तो उसके लिए फिर ये दो चीज़ें बनती। ये पेपर में आती नहीं है, सिर्फ आपका खौफ दूर करने के लिए बनवा रहा हूँ, ठीक है। ये सिंपल बार चार्ट क्या होता है, मसलन ये है जिस तरह, ठीक है, ये इस तरह आया हुआ, ठीक है। या इधर आपके पास है, इसका भी बना सकते हैं आप, ये जो है, ठीक है। मसलन अगर आपने इसका बनाना है तो बन सकता है इसका भी, ठीक है। टोटल तो 1200 है, एक आप बना लेंगे, फ़र्ज करोगे आप इसको लिख देते हो 500 की कैटागरी में, ठीक हो गया। अब आपके पास एक उर्दू मीडियम और एक इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम कितना है 700, तो 700 या है ज़ाहिर है ये 500 और 1000 के दरमियान में फ़र्ज करो यहाँ पर कहीं होगा, तो ये आप बना दो ये। उसके बाद दूसरी कैटेगरी किसकी है 481 इंग्लिश, तो ज़ाहिर है वो